हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉकलियर इम्प्लांट जर्नी। आशा करती हूँ आप सब लोग घर पे हेल्दी हो और गर्मियों की छुट्टी चालू हो गई है, तो मैं तो क्रेजी हो ही जा रही हूँ भंटाई को संभालने में। 3 हफ्ते का स्कूल था, उसमें भंटाई इतना चेंज हो गया था, उसको संभालना थोड़ा भी मुश्किल नहीं हो पा रहा था। जैसे ही छुट्टियाँ चालू हुआ है, सोने का टाइमिंग फिर से बिगड़ गया है। सारा दिन क्या करे उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन मार्क है कि उसको सारा दिन कैसे उसका टाइम पास करवाए। इसके लिए मैं उसको स्विमिंग पे भी लेके जा रही हूँ और उसका एक नया स्कूटर भी मैंने खरीद के दिया है, जैसे कि उसका शाम का टाइम पास हो जाए। तो एक दिक्कत तो है उसको सारा दिन संभालने में। मैं कभी उसको अभी पार्क में कैसा वो स्कूटर चलाता है, कैसे हम लोगों ने उसका बंदोबस्त किया है, वो सब एक दिन दिखाऊंगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे मैं भंटाई का जो मशीन है उसका जो माइक्रोफोन का कवर है वो चेंज करती हूँ। मैं हर 3 महीने में ये चेंज करती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसके अंदर गंदगी भर जाता है और वो अगर ठीक से काम नहीं किया तो माइक्रोफोन भी ख़राब हो सकता है और माइक्रोफोन अच्छी तरह से काम नहीं करेगा। तो मैं हर 3 महीने में ये चेंज करती हूँ। लास्ट मैंने कोलकाता में चेंज किया था, उस टाइम हालात इतना ख़राब था मेरे घर पे क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो मैं वो सब शूट नहीं कर पाई। तो आज फिर से 3 महीने के बाद मैं ये कान का जो मशीन का कवर है वो सब चेंज कर रही हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये मैं शेयर कर लूँ। तो चलिए आप दिखाती हूँ कैसे मैं मशीन का जो माइक्रोफोन का कवर है वो चेंज करती हूँ। ये रहा मेरा 2 मशीन। ये है सामने का जो टी माइक है उसके सामने का कवर, इसको मैं चेंज करके दिखाती हूँ। ये जो है इसको ऐसे 2 उंगली से ऐसे पकड़ के घुमाना है, एंटी क्लॉक वाइज ऐसे पकड़ना है और उल्टे घुमाना है। थोड़ा सा टाइट पकड़ के घुमाओगे तो निकल जाएगा। थोड़ा सा पहले घुमाने से प्रॉब्लम होता है, उसके बाद आराम से ऐसे घुमाने से आ जाता है। ये खुल गया। अब इसको मैं साइड करके रख रही हूँ। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैला है, उसको मैं ब्रश से और जो पाम क्लीनर है उसे साफ कर दूंगी। अब ये साफ हो चुका है। अब मेरे पास जो इसका कवर है वो मैं निकाल रही हूँ, उसको मैं लगा दूंगी। अब उसको आपको क्या करना है, ऐसा दिखने में है तो नीचे के साइड को उल्टा करना है और उसको ऐसे पकड़ के जो स्क्रू वाला मुंह है वो ऊपर की तरफ रहना है और उसको ऐसे पकड़ के ऐसे प्रेस करके और घुमाना है क्लॉकवाइज। ऐसे घुमा दिया, थोड़ा सा प्रेस करके करना, बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के हाथों से थोड़ा प्रेस करके घुमा दिया तो वो लग जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखना क्योंकि मेरे साथ ये एक बार हो चुका है कि मैंने लगा तो दिया था, मुझे लगा ठीक से लगा है, मगर 2 दिन के बाद देखा कि इसके मुंह के कवर नीचे गिरा हुआ है और वो मैं लगा नहीं सकती क्योंकि वो मतलब कभी ये नीचे गिर गया था और वो गंदा हो गया था, इसलिए मैं वो नहीं लगा पाई, मुझे फिर से नया वाला लगाना पड़ा। और ये छोटे छोटे चीज़ भी बहुत महंगी आती है। अब ये है प्रोसेसर के ऊपर का जो माइक है उसका कवर, तो मैं ये इस वाली टूल से खोल रही हूँ। ऐसे प्रेस किया, घुमाया और वो जो कवर है वो उठ के आ जाएगा इसके ऊपर। ये देखो आ गया। अब उसको रख के देख सकते हो क्या? तो अब ये इसके ऊपर आ गया। अब इसके ऊपर थोड़ा सा छोटा एक जाली था जो उस कवर के से नहीं निकाला था, वो जाली रह गया था, तो मैं उसको भी निकाल दिया। अब ये साफ हो गया और अभी कवर मैं लगा दे रही हूँ। ऐसे हल्के हाथों से प्रेस किया, बस लग गया। तो मेरा दोनों प्रोसेसर ही चेंज हो गया, दोनों का दोनों कवर। अब इसके मुंह में जो वो कवर अटक गया था उसको ऐसे घुमाने से खुल जाता है। तो ऐसे मैंने घुमाया
और ये खुल के आ गया। ये वाला पुराना वाला वो भी खुल गया। तो देखा कैसे मैंने मेरा जो बच्चे का मशीन है उसका कवर माइक्रोफोन का चेंज करती हूँ। अब बहुत सारे लोग बहुत सारा कमेंट देते हो, ऐसा नहीं कि मैं पढ़ती नहीं हूँ, मगर कुछ कुछ कमेंट का सेम ही आंसर रहता है, इसलिए मैं उसका आंसर नहीं देती हूँ। क्योंकि मैंने जैसे मेरा डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के जो ऊपर एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन बार बार आता है कि एक कान में अगर मुझे हियरिंग प्रॉब्लम है तो दूसरे कान मेरा ठीक है, या दोनों को मिला के इतना परसेंटेज आता है तो मुझे डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए तो क्या करूँ। तो ये सब का जो सवाल का आंसर है मैंने एक पिन कमेंट करके उधर पे रख दिया है। आशा करती हूँ उससे आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। मैंने हिंदी भाषा इसलिए चूज़ किया था कि जैसे पूरा इंडिया में जो भी इस जो जिसको भी कॉकलियर इम्प्लांट उसके बच्चे को होता है तो वो पेरेंट्स मुझको अगर सुन के उनको थोड़ी सी हेल्प होती है तो अच्छा है। इसलिए मैं बंगाली होके भी बंगाली में नहीं बात करती हूँ और दूसरा कोई भाषा में बात नहीं करती हूँ। और मुझे इंग्लिश सबटाइटल देने के लिए बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, मगर प्रॉब्लम ये होता है कि मेरे पास टाइम का थोड़ा इशू है, इसलिए मैं बैठ के और ज़्यादा एडिटिंग करने की टाइम मुझे सही में नहीं मिलती है। तो इसलिए मैं इंग्लिश सबटाइटल देने का जो लंबा प्रोसेस है वो नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि भलंटाई को संभालना बहुत मुश्किल काम है। बहुत सारे लोगों को मुझे जो इशू होती थी पहले, मुझे लगता है आप लोगों में से भी बहुत सारे लोगों को ये इशू होगी कि बच्चे कान में मशीन नहीं रखते हैं तो क्या करना चाहिए, इमोशन कैसे अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं उन सब के ऊपर भी वीडियो लाने वाली हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।